हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों धनी वॉलेट का जो पैसा है दोस्तों, जो धनी अवेलेबल दोस्तों जो हम लोगों को क्रेडिट लिमिट मिलता है, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर मुझे 5000 रुपये का लिमिट मिला हुआ है और इसी पैसे को दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले दोस्तों यहां पर ये ऑप्शन नहीं था दोस्तों कि हम अपने पैसे को दोस्तों कहीं पर भी निकाल सकते थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धनी वालों की तरफ से दोस्तों यहां पर धनी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों कि आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में दोस्तों ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट दोस्तों आप यहां पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किस तरीके से ट्रांसफर करना है दोस्तों और इसका क्या प्रोसेस होगा, कंप्लीट जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, जिससे मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी स्टेप नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप अपने फोन पे वॉलेट या गूगल पे किसी में भी दोस्तों ले सकते हैं। यहां पर पहले क्या था दोस्तों कि हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहां पर दिक्कतें आ रही है कि वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपसे भी देख पा रहे हो कि हम यहां पर बैंक डिटेल डाल करके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करते थे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत सारा ऑप्शन यहां पर जो अपडेट किया गया था उसमें दोस्तों यहां पर हो भी जा रहा था, लेकिन ऐसा यहां पर हो रहा है दोस्तों, दिक्कत अभी बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि यहां पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो को कर देना लाइक दोस्तों और प्यारा सा चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, जिससे मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। चलिए पूरा डिटेल में जानकारी आपको देते हैं किस तरीके से दोस्तों हम धनी कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों एक यहाँ पर लाइव प्रूफ मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल में दिखाने वाला दोस्तों कि किस तरीके से आखिर हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए मैं धनी एप्लीकेशन को यहाँ पर कट करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप अपना पैसा अगर निकालना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता दूं दोस्तों कि आप फ़ोनपे में किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूं आप अपने फ़ोनपे वॉलेट पर आपको यहाँ पर पैसा ऐड करना है और किसी को दोस्तों यहाँ पर आपको अपने क्या करना है, वॉलेट पर ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंटर योर अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं 500 रुपये निकालना चाहता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट में किस तरीके से निकालना है ये भी मैं प्रोसेस आपको वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लैंक दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर आपको ऐड क्रेडिट कार्ड यानी कि दोस्तों डेबिट कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप जैसे क्रेडिट कार्ड यानी कि दोस्तों कार्ड वाले ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना धनी के ऊपर अंदर जाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ धनी कार्ड आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर धनी एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना क्या करना दोस्तों, आपको अपना इधर आना है धनी एप्लीकेशन के अंदर। आने के बाद यहाँ पर आपको माई कार्ड करके दोस्तों एक ऑप्शन देने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे आप माई कार्ड में आते हैं दोस्तों, माई कार्ड में आने के बाद यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको माई कार्ड पे क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने ब्लर किया हुआ दोस्तों अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना सीवीवी और एक्सपायरी यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर दोस्तों कार्ड वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद यानी कि दोस्तों इस नंबर को आपको देख लेना है अच्छी तरीके से, एक स्क्रीनशॉट इस तरीके से कर लेना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद दोस्तों इसे आप कहीं पर नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे नोट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, फोनपे के अंदर हमें चलना है। अब फोनपे के अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें किस तरीके से अमाउंट को ऐड करना है, किस तरीके से हमें पैसा ट्रांसफर करना है बैंक में, ये भी मैं आपको बताने वाला दोस्तों इसी वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों तो मुझे उम्मीद है कि आज आपका पैसा आपके धनी वॉलेट से 100% निकलने वाला है अभी के अभी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर मैंने धनी का कार्ड यहाँ पर दोस्तों फिलअप किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हालांकि यहाँ पर मैंने ब्लर किया हुआ दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसे आप सारा चीज़ डालने के बाद यहाँ पर सेव कार्ड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कार्ड यहाँ पर सेव हो चुका है RBL, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 510 रुपये यानी कि दोस्तों 10 रुपये यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लगने वाला इस कार्ड से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको अपना ये पेमेंट करने के लिए दोस्तों, आपको कन्फर्म करने के लिए आपको यहाँ पर पे अगेन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुझे ये इंटरफेस जो मिला है दोस्तों, हमारा कार्ड फिलहाल अभी एक्टिव हमने नहीं करके रखा है दोस्तों, हमारा धनी के ऊपर दोस्तों ड्यूज हो रखा है, जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कार्ड एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पर दोस्तों कुछ अभी पैसे पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते दोस्तों, और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सर्विसेज पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको
ट्रांसफर मनी का ऑप्शन मिलता है, आपको ट्रांसफर टू बैंक में जाना है, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। अमाउंट जितना डालोगे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर इंस्टेंट के इंस्टेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप ट्रांसफर करते तो यहाँ पर आपको 24 घंटे का समय लग सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों, जो तरीका मैंने आप सभी को बताया इस वीडियो में। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।